Hello everybody, this is Shivam, Dubey from English Kingdom, Allahabad. We are going to have a discussion on Emma, which was written by Jane Austen. Jane Austen, ki agar baat kiya jaye, she belongs to the Romantic era. And prime time of the Romantic era, jis samay William Wordsworth, Coleridge, William Blake, John Keats, चार्ल्स लैम, पीवी शेली जैसे पोएट एसेस्ट अपनी राइटिंग कर रहे थे, उसी समय एक वीमेन नॉवेलिस्ट भी थी. बट अकॉर्डिंग टू द टाइम शी हैज टू पब्लिश हर ऑल वर्क्स एनोनिमसली. इनके जितने भी वर्क्स थे वो सभी एनोनिमस पब्लिश किए गए, बिना नाम के पब्लिश किए गए, जिसके पीछे एक रीजन दिया जाता है. किसका रीजन ऐसा रहा? क्योंकि वो सोसाइटी ऐसी थी जहां पर विमेन को, औरत को लिटरेचर के लिए या स्पेशली लिटरेचर राइटिंग के लिए नहीं समझा जाता था. इनफैक्ट विमेन फॉर हाउसहोल्ड वर्क्स. एमा को स्टडी करने के लिए वी हैव हियर सम सर्टेन पॉइंट्स टू स्टार्ट हियर. Emma was started after Pride and Prejudice and published by John Murray II on 23rd December 1815, dated 1816, and first published in the USA 1818. अगर हम Jane Austen की इस novel के बारे में बात करें, तो this novel was started after Pride and Prejudice. Pride and Prejudice जिसे 1813 में पब्लिश किया गया था, इसके बाद ही जेन ऑस्टेन ने एमा को लिखना शुरू किया. क्योंकि Pride and Prejudice में इन्होंने एक मेजर फीमेल कैरेक्टर एलिजाबेथ बेनेट को प्रेजेंट किया, कुछ ऐसी जो डोमिनेटिंग थी, और ऐसा ही एक स्पिरिट उनकी एमा में भी दिखता है. हालांकि एमा और प्राइड एंड प्रेजुडिस के बीच में इन्होंने एक और नॉवेल को लिखा और पब्लिश किया, मैन्स विलपावर, जिसको इन्होंने 1814 में पब्लिश किया. इसको पब्लिश करने का काम किया था जॉन मैरे ने, जॉन मैरे सेकंड, 23 दिसंबर 1815. पब्लिश तो यह 23 दिसंबर 1815 को हुई थी, लेकिन अगर इसके कवर पेज को देखा जाए तो वहां पर 1816 का डेट दिया जाता है, जिसके लिए पॉसिबल एक रीजन माना जाता है कि शायद 1815 बहुत ही क्लोज था अपनी एंडिंग के, जस्ट 8 डेज लेफ्ट, 8 दिन बाकी थे, जिसकी वजह से शायद इसको 1816 में इंक्लूड किया जाता है. यूएसए में पहली बार या 1818 में पब्लिश किया जाता है. It narrates the life of Georgian era set at Highbury, Hartfield, Randalls and Donwell Abbey. We know कि Georgian era का जो relation है वो दो जगह पर होता है. Georgian poetry, जो Georgian period होता है, not era, वो Edward VII Edwardian period के बाद आता है, जो हमारे modernism का हिस्सा होता है. बट जिस जॉर्जियन एरा की हम लोग बात करने जा रहे हैं, यह नियो क्लासिकल का प्राइमरी एरा होता है. हालांकि रोमांटिसिज्म में भी आता है, क्योंकि यहां पर कंटिन्यू फोर जॉर्जेस, जॉर्ज फर्स्ट, जॉर्ज सेकंड, जॉर्ज थर्ड, जॉर्ज फोर्थ रूल करते हैं, जिनके साथ विलियम फोर्थ भी रूल करते हैं. जॉर्ज फर्स्ट का रूल 1714 से शुरू होता है और जॉर्ज फोर्थ का रूल 1830 में कंप्लीट. 1714 से लेकर के 1830 तक का जो टाइम है वो जॉर्जेस के रूल को दिया जाता है, जिनके बाद उन्हीं जॉर्ज की फैमिली से विलियम आते हैं, विलियम फोर्थ, वह भी रूल करते हैं और उनका रूल 7 इयर्स का होता है, 1830 से लेकर 1837 तक. इस जॉर्जियन एरा को हम रीजेंसी या एक अलग वर्ड देते हैं जिसका नाम होता है जॉर्जियन रीजेंसी एरा. जॉर्जियन रेजेंसी एरा का रिलेशन यह है कि जिनमें जॉर्ज रूल कर रहे थे, लेकिन उसमें एक रेजेंसी लगता है. रेजेंसी का जो स्पेशल टाइम है वह 1811 से लेकर के 1820 तक, 1811
11 में जॉर्ज थर्ड रूल कर रहे थे, लेकिन ही वाज सो इल सो सिक कि वो रूल करने के काबिल नहीं थे, इसलिए उनकी जगह पर उनके परमिशन से उनके बेटे जॉर्ज फोर्थ रूल कर रहे थे। तो 1811 से लेकर 1820 तक का जो टाइम है उसे हम रेजेंसी का टाइम कहते हैं स्ट्रिक्टली स्पीकिंग। लेकिन अगर हम पैटर्न को देखें कि जॉर्जियन रेजेंसी का एरा क्या मतलब है, जॉर्जियन रेजेंसी एरा, तो वह पूरा कवर करता है 1714 से लेकर 1837 तक, जिसमें 1714 से लेकर 1795 तक का टाइम हम जॉर्जियन के रूप में समझते हैं, और 1795 से लेकर के 1837 तक का टाइम हम रीजेंसी एरा के रूप में लेते हैं। इस तरह से 1714 से लेकर के 1837 तक का टाइम इस काल जॉर्जियन रीजेंसी एरा। इस जॉर्जियन रीजेंसी एरा की खासियत यह रही कि इसमें वीमेन को इतना फील्ड स्कोप नहीं दिया जाता था, बल्कि उनको केवल हाउस होल्ड वर्क डोमेस्टिक अफेयर्स के लिए सेलेक्ट किया जाता। It is the last work published during Austen's life, followed by Northanger Abbey, Persuasion, Sedition, and the Watsons. We know well कि जेन ऑस्टन ने अपनी लाइफ में कंप्लीट नॉवल के रूप में 6 नॉवेल्स लिखे। 6 नॉवेल में से 4 ऐसे नॉवेल रहे जो उनके लाइफ टाइम में पब्लिश हुए, जैसे Sense and Sensibility, Pride and Prejudice, Mansfield Park और Emma। इन चार इनके लाइफ टाइम में पब्लिश होने वाले नॉवल में Emma इज द लास्ट। इसलिए अगर यह बात समझा जाए कि जेन ऑस्टन की लाइफ के समय लास्ट वर्क कौन सा पब्लिश रहा, दैट इज Emma। लेकिन जेन ऑस्टन की डेथ के बाद भी उनके वर्क को पब्लिश किया गया, जिनमें दो वर्क रहे, नॉर्थम्बर एबी और नॉर्थेंजर एबी और पर्सुएशन। पर्सुएशन इज द लास्ट वर्क दैट कैन बी कंप्लीट वर्क ऑफ जेन ऑस्टन, और इट वाज पब्लिश्ड आफ्टर नॉर्थेंजर एबी और पर्सुएशन दोनों ही जेन ऑस्टन की डेथ के बाद पोस्टमस वर्क के रूप में पब्लिश किया गया, जबकि इनके दो वर्क सेडिशन और द वाटसंस ये अनफिनिश्ड वर्क में आते हैं, ये वर्क कंप्लीट ही नहीं हो पाते, इनको अधूरा छोड़ देती है। बिकॉज़ शी डाइड सो सून, शी वाज जस्ट 41 ईयर ओल्ड, और 1817 उनकी एक सडन डेथ हो जाती है, जिसकी वजह से द टू वर्क्स लेफ्ट अनफिनिश्ड। इट इज अ नॉवेल रिटन एज कॉमेडी ऑफ मैनर्स अमंग कैरेक्टर्स डिपिक्टिंग द इशू ऑफ मैरिज, क्लास, सोसाइटी, लव, इंट्रिग्स एक्सेट्रा। कॉमेडी ऑफ मैनर्स का नाम आते ही रेस्टोरेशन एज, जिसमें जॉन राइडर राइटिंग कर रहे थे, ऑटोमेटिकली हमारे सामने आ जाएगा, क्योंकि कॉमेडी ऑफ मैनर में लव होना चाहिए, इंट्रिग होना चाहिए, सोशल डिस्टिंक्शंस होने चाहिए, मैरिज का इश्यू होना चाहिए, रिपार्टी होना चाहिए जिसमें हम कुछ विजी रिमार्क कर रहे हों, और कुछ स्कैंडल्स होने चाहिए। इस तरह की चीजें मिल करके, इस तरह के इश्यूज मिल करके कॉमेडी ऑफ मैनर्स बनाते हैं। कॉमेडी ऑफ मैनर्स को सबसे पहले ग्रीक के ड्रामेटिस्ट मेनेंडर ने शुरू किया, बाद में इस कॉमेडी ऑफ मैनर को रोम में भी फॉलो किया गया, जहां वो प्लॉटस और टेरेंस ने इसे अपने कॉमेडीज में फॉलो किया और इसको न्यू कॉमेडी का नाम दिया। इसी सेंस में धीरे धीरे करके यह इंग्लैंड में पहुंचता है, और इंग्लैंड में इसके पहुंचने का जो इशू होता है वो मॉलियर से होता है। मॉलियर जो फ्रेंच ड्रामेटिस्ट होते हैं, उनका इन्फ्लुएंस इंग्लिश कॉमेडी ऑफ मैनर्स पर देखने को मिलता है। लेकिन कॉमेडी ऑफ मैनर की जो राइटिंग है, वो चाहे विलियम शेक्सपियर साहब ने किया हो, चाहे बाद में जॉन ड्राइडन ने किया हो, या शेरिडन ने किया हो, सभी का जो रिलेशन है कहीं ना कहीं क्लासिकल लिमिटेशन से, जबकि जेन ऑस्टन बिलोंग्स टू रोमांटिक एरा, और इन सभी लोगों ने इस कॉमेडी ऑफ मैनर को अपने ड्रामा का एक इशू बनाया, ड्रामा का एक विषय बनाया, जबकि जेन ऑस्टन ने इसे नॉवेल का विषय बनाया, इसलिए इसको नॉवेल ऑफ मैनर्स भी कह सकते हैं। तो Emma इज अ नॉवेल ऑफ मैनर्स, जिसमें हम देखेंगे कि इंट्रिग्स भी है, रिपार्टी भी है, क्लास डिस्टिंक्शन भी दिखाया जाता है, फैमिली इश्यूज भी हैं, मैरिजेस भी हैं, सभी चीजें।
It shows the feminist side of Jane Austen. Jane Austen को हम feminism के foreigners में मानते हैं. हालांकि इनसे पहले भी कई ऐसी writers रही हैं, novelists रही हैं, poets रही हैं, जिन्होंने feminism की बात किया है. But जब novel में feminism या feminist spirit को दिखाने की बात होती है, तो Jane Austen is one of the first writers of the English literature who depicted the history of feminism in their works. Speaking for feminine gender, Jane Austen wrote for Emma, "I am going to take a heroine whom no one but myself will much like for the protagonist of the novel." Emma को लिखने से पहले Jane Austen ने एक बात क्लियर किया था कि वो एक ऐसी हीरोइन के बारे में लिखने जा रही हैं जिस हीरोइन को शायद कोई और पसंद ना करे, लेकिन यह उनकी खुद की बहुत ही पसंद होगी जो इस नॉवेल की प्रोटैगनिस्ट है. Now we move towards the characters of this novel. Emma Woodhouse जो इस नॉवेल की हीरोइन है, she is the younger daughter of Henry Woodhouse. She finally marries with George Knightley. George Knightley Emma Woodhouse के brother-in-law है और फाइनली इनकी दोनों की शादी हुई. फ्रैंक चर्चिल इज द सन ऑफ मिस्टर वेस्टन फ्रॉम फर्स्ट मैरिज. मिस्टर वेस्टन की पहली शादी से फ्रैंक चर्चिल के बेटे हैं और फ्रैंक चर्चिल अपने मैटरनल अंकल और मैटरनल आंट मिस्टर एंड मिसेस चर्चिल के साथ रहते हैं. He loves Jane Fairfax. बाद में Jane Fairfax इनकी शादी होती है. Jane Fairfax is the niece of Miss Betty's. और Miss Betty's चूंकि थोड़ी सी पुअर है और अपनी माँ Mrs. Betty's के साथ रहती हैं, इसलिए Jane Fairfax डिसाइड करती हैं कि ये गवर्नेस का काम करेंगी. और Emma थोड़ी सी से जेलस करती है, but finally Jane and Frank got married. Harriet Smith ये एमा के इन्फ्लुएंस में रहने वाली 17 ईयर ओल्ड गर्ल है जो रॉबर्ट से जिनकी शादी होनी थी, बट एमा के कहने की वजह से फिलिप के लिए अट्राई करती. बाद में फिलिप के रिजेक्ट होने की वजह से फाइनली शी मैरिज विद रॉबर्ट मार्टिन. रॉबर्ट मार्टिन एक फार्मर है और इस नॉवल में सबसे पहले उन्होंने हैरियट को प्रपोज किया था, बट बाद में हैरियट के रिजेक्ट करने के बाद सेकेंड प्रपोजल में हैरियट के साथ उनकी शादी होती. फिलिप एल्टन जो यहाँ के बेकार है और ही इज अ मैन हु वांट्स टू गॉट मैरिड विद अ वेल्दी वुमन, और इसलिए इनका अफेक्शन एमा पर होता है, लेकिन जब एमा इनको रिजेक्ट कर देती है तो ही गोज टू बाथ और वहां पर जाकर उन्होंने ऑगस्टा एल्टन से शादी कर ली. ऑगस्टा एल्टन जो है शी इज ऑलरेडी अ विडो. इनकी पहली शादी से ये विडो हो चुकी है. इट्स अ वेल्दी वुमन एंड दिस इज व्हाई फिलिप गॉट मैरिड विद ऑगस्टा. मिस एन टेलर इज द फर्स्ट पर्सन हु गॉट सक्सेस. इनफैक्ट एन टेलर इज अ गवर्नेस ऑफ एमा. एमा की गवर्नेस है और एमा ने एन की शादी मिस्टर वेस्टन से करवाया था, तो इट इज द फर्स्ट मैरिज दैट टू प्लेस इन द नॉवेल. मिस्टर वेस्टन जो एक लॉर्ड है एंड इज द फादर ऑफ फ्रैंक चर्चिल, he got married with Anne Taylor, so he is the husband of Anne Taylor as well. Miss Betty's is the daughter of Mrs. Betty's and she is a bit poor, but they are good friend of Woodhouse family. Henry Woodhouse is the father of Emma Woodhouse and father of Isabella Knightley as well. He loves his house and his wealth, is in no way ready to leave his place. Isabella Knightley, she is the elder daughter of Henry Woodhouse and elder sister of Emma Woodhouse. Isabella की शादी हो चुकी है, her husband is John Knightley and she has 5 children. John Knightley is the younger brother of George Knightley. George Knightley के छोटे भाई है John Knightley, and is the husband of Isabella Knightley as well. The two are parents of 5 children. Mr. Perry, he is an apothecary, जो दवाइयों को बेचने का काम करते हैं. Mrs. Goddard is a matron of a boarding house, वहाँ पर जहाँ पर Harriet Smith
same study कर रहे थे वहाँ की एक governess थी she was governess goddaughter was governess Mr. and Mrs. Campbell they look after Jane Fairfax की देख रेख करते हैं क्योंकि Mr. Campbell जिनको हम Colonel Campbell के नाम से जानते हैं was a friend of Jane Fairfax's father and he looks after him Mr. William Larkins, he is an employee who works for George Natalie और इस नॉवल में ये ज्यादातर गिफ्ट्स को ले आने और ले जाने का काम करते हैं मिस्टर डिक्सन इज अ सन इन लॉ ऑफ मिस्टर एंड मिसेस कैंबल मिस्टर एंड मिसेस कैंबल की बेटी के हस्बैंड हैं मिस्टर डिक्सन जिनसे भी एमा गेस करती है कि शायद जेन फेयरफैक्स का अफेयर चलता है जबकि जेन फेयरफैक्स के ही वाज ब्रदर इन लॉ मिस्टर इज नेक्स्ट इज मिस्टर विंगफील्ड Mr. Wingfield जो है वो is a physician of Woodhouse family के physician है Mr. Wingfield and now we move toward the summary of the novel. Novel का जो विषय है is a marriage and matchmaking. So that starts with Emma. Emma Woodhouse जो 21 year old है, she got success in matchmaking of Miss Annie Taylor और Mr. West. Mr. Weston और Miss Annie Taylor की शादी करा देती हैं, जिसकी वजह से Emma Woodhouse को ऐसा लगता है कि matchmaking वो perfectly कर सकती हैं, उनको लगता है कि वो किसी के बीच के अफेयर को अच्छी तरह से पढ़ सकती हैं और अच्छे matchmaking का काम कर सकती हैं। हालांकि उनके जो ब्रदर इन लॉ जॉर्ज नेटली हैं, वो जो 37 ईयर ओल्ड ये इस बात से सहमत नहीं है कि एमा को इस तरह से दूसरों के बीच में या दूसरों के काम में अफेयर में मेडलिंग करना चाहिए बट एमा इज स्ट्रॉन्ग माइंडेड वो अडिग है डिटरमाइंड एमा को सबसे पहले हैरियट स्मिथ के मैटर में अफेयर में मेडलिंग करने का चांस मिलता जहां हैरियट स्मिथ एक पुअर वर्कर है इनके अंडर और इनको रॉबर्ट मार्टिन लव करते हैं बट एमा को लगता है कि अगर हैरियट स्मिथ की शादी किसी बड़े घर में हो गई तो ऑटोमेटिकली उसका जो सोशल स्टेटस है वो बढ़ जाएगा और वो लर्निंग पर्सन और अपर क्लास में आ जाएगी इसलिए वो डिसाइड करती हैं कि हैरियट रॉबर्ट से शादी नहीं करेगी बल्कि उस हाईवरी प्लेस के विकार फिलिप एल्टन से शादी फिलिप एल्टन इस बात से बेखबर कि एमा हैरियट की शादी करवाना चाहती है फिलिप थोड़े से हैरियट के प्रति अपने लिबरल नेचर को ले आते हैं जिससे एमा को लगता है शायद फिलिप एल्टन हैरियट से शादी करें इधर बीच फिलिप वेट करते करते थक गए और फाइनली उन्होंने एमा को प्रपोज किया जिससे एमा बहुत शॉक्ड होती है और वह सोचती है और वो बताती है कि वो फिलिप एल्टन को लव नहीं करती है बल्कि वह फिलिप और हैरियट की मैच मेकिंग का काम करना चाहती थी जिससे फिलिप एंग्री हो जाता है क्योंकि हैरियट एक पुअर गर्ल है इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो वहां से चला जाएगा और बात को वहां चला जाता है जिस वजह से एमा को पहली बार यह फील होता है और अशेम्ड होती है कि उसकी जो थिंकिंग थी कि फिलिप हैरियट को लव करते हैं वो गलत थी इधर बीच जॉर्ज नेटली एमा को बताते हैं कि फिलिप किसी ऐसे लेडी से लव करेगा शादी करेगा जो वेल्दी हो ना कि किसी पुअर से जैसे कि हैरियट के साथ क्योंकि हैरियट के अफेयर में जब भी एमा ने इंटरफेयर किया जॉर्ज नेटली ने जरूर एमा को रोका इधर बीच फिलिप एल्टन बाद में जाकर अगस्टा एल्टन से शादी कर लेते अगस्टा एल्टन जो वीडो थी जिनकी पहले शादी हो चुकी थी बट शी वॉज अ वेल्दी लेडी इसलिए अगस्टा से शादी करने में फिलिप को कोई प्रॉब्लम नहीं होती और जब वो अगस्टा से शादी कर लेता है तो जॉर्ज नेटली अपनी बात को सही ठहराता है कि उसने फिलिप के बारे में सही सोचा था एक बार फिर एमा को ऐसा लगता है कि शी वाज रॉन्ग अबाउट फिलिप एल्टन एंड शी वाज रॉन्ग अबाउट जॉर्ज नेटलीज फीलिंग एज वेल इधर बीच फ्रैंक चर्चिल की एंट्री होती है फ्रैंक चर्चिल अपने फादर मिस्टर वेस्टन को विजिट करने के लिए वहां पर आते हैं जिससे एक बार फिर से एक सेंसेशन फैल जाता है फ्रैंक चर्चिल जैसा इनका नाम है वह रहते तो अपने मैटरनल अंकल मिस्टर चर्चिल एंड मिसेस चर्चिल के साथ हैं
बट वह मिस्टर वेस्टर्न की पहली शादी से हुए बच्चे हैं, बेटे हैं, इसलिए वो अपने फादर को विजिट करने आए। फ्रैंक के बारे में जॉर्ज का कहना था कि फ्रैंक कुछ ज्यादा ही क्लेवर है और कहीं कहीं कुछ शैलो कैरेक्टर ही है जो फ्लर्टिंग करता है, कुछ और भी इशू। इधर बीच जेन फेयरफैक्स भी अपनी आंट मिस बेटीज को विजिट करने के लिए आती है। चूंकि मिस बेटीज पुअर फैमिली से है, इसलिए जेन डिसाइड करती है कि वह किसी जगह गवर्नेस का काम कर लेंगे। जॉर्ज नाइटली जेन फेयरफैक्स के इंटेलिजेंस और ब्यूटी की तारीफ करता है, जिसकी वजह से एमा को धीरे धीरे जेन से जेलसी होने लगती है और वो जेन को हर जगह पर नीचा दिखाने की कोशिश करती है। एमा और फ्रैंक चर्चिल में एक अच्छी फ्रेंडशिप हो जाती है और दोनों मिलकर के जेन फेयरफैक्स को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। हालांकि फ्रैंक उस तरह से नहीं, लेकिन एमा के बातों में वह जरूर नोडिंग करता है, हाँ में हाँ मिलाता है। इधर बीच फ्रैंक को यह मालूम चलता है कि उनकी आंट की हालत बहुत सीरियस है, इसलिए ही डिसाइड्स टू विजिट हर इन लंदन और वो लंदन के लिए चला जाता है। हालांकि उसका जाना एक सस्पिशन होता है, क्योंकि उसी के जाने के कुछ समय के बाद जेन फेयरफैक्स भी उस जगह से थोड़े दिनों के लिए लीव करती हैं और बाद में वापस भी आ जाती है, जो एक शॉकिंग होता है कि किस तरह से वो वापस आते हैं। फ्रैंक चर्चिल का लंदन में जाना और अपने आंटी को देखना, हेयर ड्रेसिंग का काम करवाना बट बिना हेयर ड्रेसिंग के आने से कई क्वेश्चन जो होते जॉर्ज नाइटली के दिमाग में आ रहे होते और वह समझाने की कोशिश कर रहा है कि देयर इज समथिंग बिटवीन द कैरेक्टर्स, शैडो कैरेक्टर्स फ्रैंक चर्चिल है, कुछ कुछ और भी चीजें हैं जो शायद छुपी होगी। इस बीच एक बाल पार्टी होती है और दिस बाल पार्टी टेक्स प्लेस एट द क्राउन हिल। क्राउन हिल पर यह बाल पार्टी होती है जिस जगह पर हैरियट स्मिथ को कोई डांसिंग करने के लिए नहीं मिलता। हैरियट स्मिथ जो अभी गवर्नेस का काम कर रही थी मिस्टर ऑगस्टा एल्टन के घर पे, वहां से उनको इंसल्ट किया जाता है और वह काफी सैड है। एक तो उनको डांस पार्टनर भी नहीं मिलता। डांस पार्टनर के रूप में जॉर्ज नाइटली खुद सामने आते हैं। जॉर्ज नाइटली जिन्होंने डांसिंग को बहुत पहले छोड़ दिया था, आज काफी समय के बाद ना केवल उन्होंने डांस के लिए स्टेप किया बल्कि हैरियट के साथ काफी वक्त उन्होंने डांस किया। हैरियट को एक अच्छी फीलिंग होती है और इधर बीच दूसरे दिन जब हैरियट स्मिथ बाल पार्टी से वापस आ रही थी तो शी वाज चेज्ड बाय सम जिप्सीज, और जब वो जिप्सीज से चेज्ड होती है तो फ्रैंक चर्चिल इसकी हिफाजत करता है, जान बचाता है। जब यह बात हैरियट एमा से बताती है कि फ्रैंक चर्चिल ने उसकी जान बचाई, एक बार फिर से एमा के दिमाग को लगता है कि शायद एक फ्रैंक और हैरियट के बीच में कुछ लव अफेयर चल रहा है, जिससे वो डिसाइड करती है कि इस बार वह राइट होगी। हैरियट स्मिथ भी थोड़े से क्लूज उसको दे देती है और वह यह कहती है कि इस बार वो जो शादी करेगी वह अपने स्टेशन से थोड़े ऊपर के बंदे से शादी करेगी। इस वजह से एमा का गेस और भी ज्यादा क्लियर हो जाता है कि शायद हैरियट स्मिथ, हैरियट जो है वह फ्रैंक से ही शादी करने वाली है। इसी बीच फ्रैंक चर्चिल के मैटरनल आंट की डेथ होती है और उनके डेथ के बाद फ्रैंक एक बात जो अभी तक सीक्रेट में थी उसको रिवील करता है, एंड ही रिवील दैट ही एंड जेन आर ऑलरेडी एंगेज्ड और इनकेस वो इस जगह पर आने से पहले थे, हाईबरी में आने से पहले ही उन्होंने एंगेजमेंट कर लिया था और उनके एंगेजमेंट में मिस्टर एंड मिसेस कैंपबेल उपस्थित थे, साथ ही साथ मिस्टर डिक्सन भी वहां पर प्रेजेंट थे। इस बात को जानकर सब शॉक्ड रह जाते हैं कि वह इस बात को छुपाते क्यों हैं। उन्होंने रिवील किया क्योंकि जो मिसेस चर्चिल थी वो ये पसंद नहीं करती थी कि फ्रैंक की शादी अपने सोशल स्टेटस से नीचे वाली जेन फेयरफैक्स के साथ हो जाए, इसलिए उन्होंने सीक्रेट रखा। और चूंकि अब उनकी डेथ हो चुकी है एंड मिस्टर चर्चिल इज एग्री कि फ्रैंक जेन से शादी करे, इसलिए नाउ इज हैप्पी एंड अनाउंस एमा इज सॉरी फॉर हैरियट स्मिथ, क्योंकि उसको लगता है कि हैरियट स्मिथ का एक बार फिर से ब्रेकअप
या टूटा दिल का टूटना हुआ, क्योंकि पहले रॉबर्ट से टूटा, फिर फिलिप से टूटा और इस बार फ्रैंक से टूटा। लेकिन हैरियट इसको क्लैरिफाई करती है कि वह फ्रैंक को नहीं लव करती है, बल्कि उसका जो अट्रैक्शन है या जो लव है वो कहीं ना कहीं जॉर्ज नाइटली की तरफ जाता है।